दोस्तों Redmi 12 5G अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो सबसे पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि भर भर के की हुई पेड मार्केटिंग के पीछे आपसे किसी भी फोन के क्या क्या पॉइंट्स छुपाया जाता है ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो बिना समय गवाए पोल खोल शुरू करते हैं Redmi 12 5G की। दोस्तों नो डाउट 15,000 रुपीज के अंदर Redmi ने Redmi 12 5G लॉन्च किया है और यहाँ पे आपको तीन अलग अलग वेरियंट Redmi 12 5G के मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। और हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले Redmi 12 5G की डिजाइन से। फ्लैट एंड बॉक्सी स्टाइल डिजाइन आपको Redmi 12 5G के अंदर मिलता है, जो कि एकदम आई कैचिंग है। शाइनी लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एक बात नोट करिएगा दोस्तों, Redmi 12 5G के अंदर आपको बैक पैनल ग्लास का दिया गया है, तो एक प्रीमियम लुक आपको Redmi 12 5G के साथ आने वाला है। तीन अलग अलग कलर वेरियंट आपको Redmi 12 5G के मिल जाएंगे और सेंटर पंच होल के साथ इसका फ्रंट डिजाइन कुछ अलग ही दिखता है। बात करूं मैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, तो दोस्तों नो डाउट बहुत बड़ा डिस्प्ले आपको Redmi 12 5G के अंदर दिया गया है। 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और दोस्तों इसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी Redmi 12 5G के डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन के आता है। प्रोसेसर, हाँ दोस्तों बजट सेगमेंट के अंदर एकदम तगड़ा प्रोसेसर Redmi 12 5G के अंदर दिया गया है। थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, पर आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस है और इसका एंटीटू स्कोर 4.5 लाख से भी ऊपर जाता है। गेमिंग के लिए और एनर्जी इफिशिएंसी के हिसाब से स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर एकदम अच्छा है, जो कि बजट सेगमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ Redmi 12 5G के अंदर आपको दिया गया। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप आपको Redmi 12 5G के अंदर मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया। अच्छा खासा डिसेंट फोटोग्राफ आप यहां पे कैप्चर कर पाओगे और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी Redmi 12 5G के अंदर कर सकते हो। 5000mAh की बैटरी है, जो कि 22.5W के चार्जर के साथ आती है। पर एक बात यहाँ पे नोट करिएगा दोस्तों, Redmi 12 5G सिर्फ और सिर्फ 18W की चार्जर को ही सपोर्ट करता है, पर फोन के साथ आपको यहाँ पे चार्जर भी मिल जाता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड्रॉइड 13 वर्जन के साथ MIUI 14 आपको यहाँ पे Redmi 12 5G के अंदर मिल जाता है और अपडेट आपको कितने साल के प्रोवाइड किए जाएंगे Redmi 12 5G के साथ ये अभी तक कंपनी की तरफ से बताया नहीं गया है। UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR 4X रैम टाइप आपको Redmi 12 5G के अंदर दिया गया है। हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको यहाँ पे मिलता है और IP53 की रेटिंग के साथ आपको यहाँ पे वाटर प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा Redmi 12 5G के अंदर मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं Redmi 12 5G के प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज के लिए इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों इसका प्रोसेसर। जी हाँ, बजट सेगमेंट के अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर कोई अदर ब्रांड आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। इसके अंदर आपको 3.5mm जैक भी मिल जाता है, IF ब्लास्टर है, 5G फोन है, IPS LCD डिस्प्ले और ग्लास बैक के साथ एक प्रीमियम लुक आपको Redmi 12 5G के अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोज इस फोन के बन के आता है। चलिए बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स के लिए इसमें सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड एप्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, बहुत सारे एप्स आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, पर कई एप्स आप Redmi 12 5G के अंदर से अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। स्पीकर की बात करूं तो इसके अंदर मोनो स्पीकर है, आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट Redmi 12 5G के अंदर नहीं दिया गया है। नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे नहीं है और अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। ये कुछ कॉन्स Redmi 12 5G के बन के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, बजट सेगमेंट के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर गेमिंग के लिए अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे हो तो Redmi 12 5G एक बेस्ट पिक आपके लिए यहाँ पे बजट सेगमेंट के अंदर हो सकती है। आपके अगर Redmi 12 5G के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कॉमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आप टेक ब्यूरो के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।